दोस्तों स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर राजेश इलाहाबादी चैनल के माध्यम से। तो दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि प्रयागराज से 15 किलोमीटर की दूरी पर समथिंग झलवा एयरपोर्ट, जहां पर एयरपोर्ट के ठीक पहले ही आपका रनवे 70 एरोप्लेन रेस्टोरेंट बनाया गया है हाईवे रोड पर ही। और जैसा कि हम आपको बता दें कि हमारे पीछे अगर देखें तो वो दिखाई दे रहा है, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वो दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों वो कैसा होगा ये तो हमें नहीं मालूम है, किस हाल में बना होगा ये भी नहीं मालूम है। तो आइए चलते हैं और आपको दिखाते हैं बहुत ही सुंदर सा अपने प्रयागराज में जो रनवे 70 एरोप्लेन रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे वीडियो में, आइए चलते हैं और दिखाते हैं और देखते भी हैं। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि हमारे दो भाई यहाँ पर और मुलाकात हो गई है। सुरेंद्र प्रजापति जी हैं जो कि व्यूज जंक्शन के नाम से जाने जाते हैं, इनका जो चैनल है, और एक हमारे हेमंत भाई भी हैं। तो मिलकर के आज बहुत खुशी हो रही है। राजेश भाई एकदम मस्त मौला है भाई, आज हम लोग प्लेन पे जा रहे हैं और हमारा एक राज, छोटा राज, जैसे कि आपको मैंने बहुत पहले वीडियो में बताया था। दोस्तों और राज कैसे हो? बढ़िया जी। तो चले फिर। तो दोस्तों इसी बस प्लेन पे जा रहे हैं। तो दोस्तों हम और राज अब इस अपनी गाड़ी से जा रहे हैं प्लेन पे, सीधा साय से पहुंचेंगे। ये देखिए आप कि हम उस प्लेस में पहुंचने ही वाले हैं और वो दिखाई दे रहा है एरोप्लेन रेस्टोरेंट। दोस्तों जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो आप रोड देख रहे हैं ये एयरपोर्ट रोड है, ये झलवा एयरपोर्ट का। और उससे पहले ही अगर हम आपको दिखाएँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एरोप्लेन एक रेस्टो खुला हुआ है। और दोस्तों यहाँ की बात करें तो ये जो एरिया है, एरिया आप देख सकते हैं कि अभी काफ़ी डेवलपमेंट चल रहा है, काफ़ी काम चल रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों अब ये देखिए गेट है, गेट अभी बंद है, थोड़ा सा खुला हुआ है और मैं सीधे अब अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। वाह, ये मैंने गेट खोला, वाह भाई वाह, क्या बात है। अरे राज आ जाओ, राज अब हम अंदर प्रवेश कर आए हैं। और भाई यहाँ पर बहुत सुंदर सा दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर यहाँ पर जो बनावट की गई है चारों तरफ, हम अगर निगाह उठा, खैर अभी ये काफ़ी कुछ वर्क बाकी है। यहाँ पर देखिए बहुत ही सुंदर सा ये जो सामने हमारे दिखाई दे रहा है, शायद यहाँ पर ये काउंटर बन रहा है ऐसा लग रहा है, खैर अभी तो कोई दिख ही नहीं रहा है भाई। अच्छा इधर चलते हैं। अरे वाह भाई वाह, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमारा स्वागत हो रहा है, इसके बाद आपको रनवे 70 वो एरोप्लेन भी बनी भाई। और ये है रनवे रेस्टो एम्यूजमेंट पार्क है, तो बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और शायद इधर दरवाज़ा भी है क्या, देखते हैं। अभी बंद है भाई, अभी ये बंद है, शायद बाद में खुलेगा। और जो इसका लुक दिया गया है, अरे भाई प्लेन भी दिख गई भाई साहब, प्लेनवा तो दिख गई वहाँ पर, वो दिख रही है। और नीचे जंगलेटर भी रखा हुआ है। तो आप देखते हैं पहले इसका ग्राउंड दिखा दे, बहुत ही सुंदर सा। अभी तो खैर इसमें पूरा डेवलपमेंट चल रहा है और जैसे कि बहुत से भाई लोग यहाँ पर देखने के लिए भी आते हैं और काफ़ी यहाँ पर भीड़ें भी जो है लग जाती है इस समय सिर्फ देखने वालों की। जैसा कि आप देख सकते हैं कितना सुंदर, कितना बढ़िया यहाँ बनाया गया है। शायद मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे प्लेन पर बैठूंगा या खाना खाऊंगा, तो आज मैं छू करके देखता हूँ। अरे वाह भाई वाह, क्या बात है भाई, आज प्लेन के एकदम नज़दीक आ। मैं बचपन में जब छोटा था तब मैं देखता था कि यार कि प्लेन कैसा होगा, फिर उड़ता था, आज मैं एकदम साक्षात देख रहा हूँ। इधर भी देखता हूँ, नीचे नीचे आप देखिए, बहुत सुंदर भाई बनाया गया है इस शो को। ये देखिए, वाह भाई वाह वाह वाह। और दोस्तों ये है ऑफिस, ये है ऑफिस और ये पूरा जो है बन रहा है, अभी तो खैर काम चल रहा है, पेंडिंग पे पूरा तैयार हो रहा है यहाँ पर। ये भाई बहुत दूर दूर से इसको लोग देखने के लिए आते हैं, सिर्फ इस रनवे 70 रेस्टोरेंट को, पहिया हुआ बाकायदा लगी हुई है। ये देखिए बस उड़ने वाली है, कुछ ही देर के बाद हम लोग इस प्लेन पे बैठेंगे और उड़ जाएंगे। अब उड़ करके कहाँ जाएंगे ये तो नहीं बता सकते,
और दो भाई साहब यहाँ भी देखिए आज ब्लॉगिंग करने के लिए आए हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग इस प्लेन से उड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वाह भाई वाह, ये देखिए बहुत ही सुंदर भाई साहब बनाया गया है इसको, और मैं ऐसे दिखाता हूँ आपको। देखिए भाई लोग चढ़ भी रहे हैं, और खैर अभी चलेगी नहीं, जब तक हम नहीं बैठेंगे वहाँ चल नहीं सकती है ये प्लेन। वाह भाई वाह, वो देखिए गजब यार। तो भैया आपने ये जो इलाहाबाद में मतलब प्रयागराज में बहुत ही सुंदर सुंदर चीज़ें यहाँ देखने को मिल रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि जो हमने जो एरोप्लेन देखा था वो लैंडिंग करती है तो उसकी ज़मीनें आप कैसी होती, लेकिन यहाँ पर जो एक रेस्टो बना हुआ है अभी ये कच्चा दिख रहा है, और इसका जो पहिया है जैसा कि आप ये देखिए ऐसे भागती है, तो पहिया चल चुकी है। और इसमें जितनी भी चीज़ें बनाई गई है वास्तव में देखने लायक है, बहुत बखूबी से इसका जो एक सॉल्यूशन दिया गया है एक प्लेन के तरीके से। एक रेस्टो के लोग आएंगे यहाँ पर खाना खाएंगे, वो कितने का होगा क्या होगा एस्टिमेट वो हम अभी आपको बताएंगे। दोस्तों ये है सीढ़ी, और इस सीढ़ी से अब मैं चढ़ूंगा ऊपर की ओर। वाह भाई वाह, तो यहाँ पे हम आ चुके हैं, और ये है मेन गेट, जैसा कि यहाँ से हम करेंगे एंट्री। ये वाह भाई वाह, क्या बात है। आज वास्तव में हम पहली बार एरोप्लेन में बैठ रहे हैं, लेकिन ये एरोप्लेन ये रेस्टोरेंट है, रेस्टो है जहाँ पे लोग आएंगे। तो ये देखिए ये दरवाजा है, और इस दरवाजे से हम अंदर आते हैं। ये बैठा हुआ है प्लेन चलाने वाला लड़का, अरे बाप रे भैया। और बहुत ही सुंदर इसको बनाया गया है कि देखिए यहाँ पे दो सीटें हैं, और इन सीटों के अलावा जो आगे बैठे रहेंगे, और यहाँ पे ये पूरा ये इस प्लेन का लुक है, और सीटें आप देख सकते हैं ऊपर इतनी अच्छी बनावट दी गई है जैसा कि आप ये देख रहे हैं। इसमें सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं, एसी भी लगी हुई है, और ये जो सीटें हैं बहुत ही कंफर्टेबल सीटें हैं, जैसा कि ये देखिए यहाँ पर छः लोग बैठेंगे, एक दो तीन और तीन छः, छः लोगों की सीटें हैं। और यहाँ पर बैठने के लिए मैं जैसे बैठा हूँ बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा हूँ, बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ। और ये डाइनिंग टेबल है, और कम से कम 60 सीटें हैं यहाँ पर, 60 सीटें हैं, 60 लोग एक बार में बैठ करके यहाँ पर डिनर कर सकते हैं। और बहुत ही सुंदर, जैसा कि ये जो लाइटें लगी हैं ये टिमटिमाती हुई लाइटें हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये है एसी। आह वाह भाई, बहुत पसीना आ गया है, थोड़ा सा हवा ले ले एसी का। और ये जितने भी सीटें हैं ये आप देख सकते हैं, और नीचे भी अगर हम नीचे भी दिखाएं तो नीचे बहुत ही अच्छा बनाया गया है इसको, बहुत ही मजबूती के साथ इस प्लेन में जो एक रेस्टोरेंट के रूप में बनाया गया है। और ये होगा काउंटर, ये होगा काउंटर जो कि अभी काफ़ी तैयारियां चल रही हैं, काफ़ी कुछ काम अधूरा बाकी है। और यहाँ से ये है ये डोर, ये डोर से हम जैसे जाएंगे यहाँ पर बैठने की सुविधा है, यहाँ पर हम बैठेंगे, ये यहाँ पर हम बैठ चुके हैं। और ये है स्टीयरिंग, ये किधर किधर को लैंडिंग होगी, किधर जाएगी, और ये सीधा सीधा हम जाएंगे तो अपने घर की ओर चले जाएंगे। अब ये पता नहीं कहाँ जाएगी ये तो नहीं मालूम है, और बहुत ही अच्छा आज मैं फील कर रहा हूँ इस प्लेन में पहली बार बैठ करके, वास्तव में बहुत मज़ा आ गया। आज मैं लाइफ में शायद पहली बार छुआ हूँ और बैठा भी हूँ, बहुत मज़ा आ गया दोस्तों, बहुत मज़ा आ गया। अब आइए हम आपको बाहर की कुछ चीज़ें आपको दिखाते हैं। और हम जिस प्लेस पर आ चुके हैं ये है एरोप्लेन का पंखा, जिसको पर कहते हैं, वो वहाँ उतनी दूरी तक है, ये आप देख सकते हैं वहाँ तक है, एक पर इधर है, और यहाँ पर लोग खड़े हो सकते हैं जैसे कि ये राज खड़ा हुआ है, और एक पर उधर तो खैर नहीं, उधर सीढ़ी है। और हम आपको यहाँ से पूरा लुक दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर भाई साहब बनाया गया है अपने प्रयागराज में, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता दें कि ये जो टिकट काउंटर बोला जाता है, और टिकट काउंटर में इसको रेलवे एरोप्लेन में क्या बोलते हैं, बोर्डिंग पास, ये एक बना है दो बना हुआ है, ये यहाँ से हमें मिलेगा दो बोर्डिंग पास, और उस बोर्डिंग पास को लेकर के हम सीधा जो है आएंगे इस प्लेस पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, ये
रनवे 70 इस प्लेस पे आएंगे और यहाँ मिलेंगे हमें एक गार्ड जो हमारी बोर्डिंग पास को चेक करेंगे, फिर इसके बाद हम एंट्री करेंगे और सीधा एरोप्लेन में बैठ जाएंगे। तो दोस्तों हम ज़्यादा कुछ अभी तो अपने इस ब्लॉक में नहीं दिखा सकते क्योंकि हमें ज़्यादा पता ही नहीं है। जिस दिन एंट्री होगी उस दिन हम आपको सारा व्यू बताएंगे। आपको रनवे 70 रेस्टो एम्यूजिंग पार्क की जो वीडियो है आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।